यात्रा के पहले इस प्रकार से फ्रीज करना, ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बात देखिए बिट भाई, ऐसा है ...2012 के बाद से जब से वीवीपैट मशीन आई है चुनाव प्रक्रिया में, मोदी जी और उनके जो क्लोज ग्रुप है वो अति विश्वास में है। 14 में कहा भाजपा को बहुमत मिलेगा, बहुमत होता है 2072 पे, उनको मिले 274। उसके बाद 2019 में उनका 300 पार तो मिले 303। इतने बड़े देश में जहाँ 90 करोड़ ज़्यादा मतदाता हों, इतना निर्णय कैसे, मतलब इतना भविष्यवाणी कैसे हो सकती है। अब मेरे पास दो उदाहरण हैं, एक बेरसिया में 17 नवंबर को चुनाव हुआ, 19 नवंबर को एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक पे डाल दिया कि भाजपा को इतने वोट मिलेंगे, कांग्रेस को इतने वोट मिलेंगे और भाजपा इतने वोट से जीतेगी। कब? 19 नवंबर को, चुनाव के 2 दिन बाद। और नतीजा आया तो वो कब ही आया। इसी प्रकार नागदा में जो उन्होंने काउंटिंग के 2 दिन पहले दिसंबर 1 को जो नतीजा डाल दिया वो कब ही आया, 1% भी इधर उधर नहीं था। तो ये सारी बातें हैं, इस पर हम एक ही बात मांग, हमने पूरे देश के सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े जजेस, रिटायर्ड जजेस, IAS, IPS, IFS प्रोफेसर्स, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर, इन सब ने कुछ प्रश्न पूछे चुनाव आयोग से कि इस, हमें बता दीजिए कि इस पे इंटरनेट कनेक्ट होता है कि नहीं होता है, इसका जवाब नहीं देते। हमने पूछा कि साहब सॉफ्टवेयर क्या डालते हो, उसको उजागर करो। हमने पूछा कि ये आपकी चिप आती कहाँ से है, इस चिप में सॉफ्टवेयर डालता कौन है, सॉफ्टवेयर बनाया किसने है, ये सारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देते। आज पूरे विश्व में केवल 5 देश हैं जहाँ की EVM मशीन का उपयोग हो रहा है, जिसमें भारत, नाइजीरिया, वेनेजुएला, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्टवेयर को उन्होंने उजागर कर दिया कि भाई देख लो जिसको देखना है। तो हमारा तो ये स्पष्ट मत है, इस देश के लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमें EVM से वोटिंग नहीं चाहिए, बैलेट पेपर्स चाहिए। और अगर सरकार को, चुनाव आयोग को EVM से इतना ही प्रेम है तो आप हमें VVPAT स्लिप डब्बे में ना गिरा के हमारे हाथ में दे दो, हम मत पेटी में अलग से डाल देंगे। अब चुनाव आयोग इसके बारे में हमसे मिलने की तैयार नहीं है। 28 इंडिया अलायंस की पार्टनर्स ने मांग की कि आप हमें टाइम दीजिए मिलने का, 6 महीने से टाइम नहीं दिया है। क्या निष्पक्षता से काम करता है ECI? कर्नाटक चुनाव में खुलेआम प्रधानमंत्री कह रहे हैं बजरंग बली का नाम लो और बटन दबाओ, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है कि नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जुर्म है कि नहीं है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायिक के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन के सदस्यों का चयन जो कमेटी है उसमें एक व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसके अंदर होना चाहिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रस्ताव भेजा गया। सरकार ने उसे नामंजूर करके प्रधानमंत्री जी के द्वारा मनोनीत एक और मंत्री उसमें रख दिया। तो ये तो निष्पक्षता की निशानी नहीं है, खुलेआम पक्षपात हो रहा है। अब मालूम पड़ा है कि जो कंपनी
ईवीएम बनाती है उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भारतीय जनता पार्टी के चार नेता हैं। ये तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है उसके साथ तो मजाक है कि नहीं है ये। चलो।